सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बाबा साहब ने संविधान बनाया, इतने सालों से संविधान चल रहा है और आप अब 5 साल में या 10 साल में आने के बाद कह रहे हो कि नहीं ये संविधान गलत है, ईडी उनकी है, सब कुछ सीबीआई उनका है, निर्वाचन आयोग उनका है, जो कहेंगे वही होगा। दिल्ली कलकत्ता बम्बे लोग जाते हैं कमाने के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके, जब हमारा रोजी रोजगार यहीं रहता तो हम यहीं काम करते, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। 400 रुपये की दिहाड़ी है, उसमें 200 रुपये किलो तेल पहुंच गया था। आप बताइए तेल खरीदें या आटा खरीदें, चावल खरीदें, दाल खरीदें, क्या खरीदें? उससे 5 किलो से क्या होगा, जब जो कि नई नौकरियां मिलेगी तो रोजगार कैसे चलेगा, बताइए सर। नौजवान युवक लोग जो हैं नौकरियों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, सरकार को कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। आरक्षण भी दे रखा है, आरक्षण के बावजूद भी नहीं हो पाते, फिर उसमें जो है कि अपना घूस चल रहा है, दलाली चल रही है। आदमी प्राइवेट काम कर रहा है, 5,000, 7,000, 8,000 पा रहा है, तो उसमें क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा कि घर का खर्चा चलाएगा? किसानों के ऊपर भी अगर आप GST लगा दोगे तो वो कहाँ से, वो तो वैसे ही अपना जो है कि मान के चलिए खेती बाड़ी करते हैं, जितनी वो लागत लगाते हैं उससे ज़्यादा उनकी पैदावार नहीं होती, वो कर्जों में दबे जा रहे हैं किसान लोग जो है कि। तो क्या देख रहे हैं इस बार वोट की दर दे रहे हैं? हम लोग दलित समाज के दलित के वोट देंगे, दलित में जो बसपा का हम लोग देंगे, बसपा जो पार्टी है। हाँ बसपा पार्टी है, दूसरे के भी देंगे तो भी कहेगा कि चमार दलित जात के वोट भी नहीं दिया है। बहन जी के साथ हम लोग हैं और पहले से भी थे, आगे भी रहेंगे और अब भी हैं सर। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट पर है और गाजीपुर का ये नसीरपुर जलालाबाद यहाँ गांव है जहाँ पर हम दलित समाज के बीच में हैं। बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की। मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ से जो प्रत्याशी है सपा से यहाँ अफजाल अंसारी जी है, जो अभी मरहूम मुख्तार अंसारी जी के बड़े भाई है, सपा ने उनको टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से पारसनाथ जी यहाँ चुनावी मैदान में है और बसपा ने उमेश सिंह को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। हम दलित समाज के बीच में है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रुझान है इस बार समाज का। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ अपना? सतीश कुमार जी। सतीश जी क्या करते हैं आप? हम तो घर पर रहते हैं, हल्का फुल्का बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं आप, कैसे रहे बिजनेस के लिए 10 साल? बिजनेस के लिए तो ठीक है था और सही है, माल सही है, बाकी 10 किलो 5 किलो राशन से क्या होगा, सरकारी नौकरी वोकरी सब खत्म हो गई, सब जनता रहे, वैकेंसी नहीं रही है, आ रही है, आ भी रही है तो लीक भी हो जा रहा है, अभी पेपर अभी लीक हो गया है, उससे 5 किलो से क्या होगा, जब जो कि नई नौकरियाँ मिलेगी तो रोजगार कैसे चलेगा, बताइए सर। तो पिछले 10 सालों में कुछ लगी बच्चों की नौकरी आपने? हाँ मिली, नहीं नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। तो तैयारी वगैरह करते हैं बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं? बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो दिक्कतें हुई रही होगी काफ़ी? और बहुत समस्या है। तो आप जैसे बिजनेस करते हैं कुछ GST वगैरह का भी दिक्कत आई उससे? छोटा मोटा कोई GST नहीं, हल्का फुल्का है, ये थोड़ा मोटा जानते हैं कि गाँव में साइकिल वगैरह लेके घूमते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए कि जो कई लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा सरकार आ रही है, 400 पार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार संविधान ख़त्म कर देंगे, क्या आपको भी ऐसा लगता है? हो सकता है भाई, ख़त्म हो जा सकता है, हाँ है संभावना है ख़त्म कर देंगे BJP वाले ना। हाँ तो क्या देख रहे हैं इस बार वोट की दर दे रहे हैं? हम लोग दलित समाज के दलित के वोट देंगे, दलितों में काम लोग दलित में जो बसपा का हम लोग देंगे, बसपा जो पार्टी है। हाँ बसपा पार्टी है, दूसरे के भी देंगे तो भी कहेगा कि चमार दलित जात के वोट भी नहीं दिया है। पिछली बार कहाँ दिया था? बसपा के दिए, बसपा के। तो आप शुरू से बसपा के? हाँ बसपा ही हैं। चलिए ठीक है जी। भैया जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम राजेश कुमार है सर जी। राजेश जी क्या करते हैं आप अभी? मैं तो फिलहाल दिल्ली रहता हूँ सर। अच्छा दिल्ली, नौकरी वगैरह करते हैं? नौकरी नहीं, ऐसे प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट, तो सरकारी नौकरी का नहीं बन पाया कभी कुछ? सरकारी नौकरी का सर क्या कुछ हो ही नहीं पाया हम लोगों का। किस तरह की दिक्कतें रही? दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, जब अगर रोजी रोजगार नहीं रहेगा, हाँ हमारे प्रदेश में अगर होता तो हम अपने घर पे काम करते, घर में शाम को आते, इसलिए हमारे UP बिहार में तो यही है कि दिल्ली कलकत्ता बम्बे लोग जाते हैं कमाने के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके, जब हमारा रोजी रोजगार यहीं रहता तो हम यहीं काम करते, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है हमें।
मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ऐसा कुछ हुआ इन 10 सालों में? हमारे समझ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। और भर्तियां वगैरह का क्या रहा? अभी आई पे सुना पेपर लीक हो गए, उसमें किस तरह की स्थिति आई युवाओं की? देखिए युवा तो रोड पे आ चुका है, युवा तो बेचारा अपना तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, माँ बाप उसको पढ़ा रहे हैं, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके पैसा दे रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो बच्चा बेरोजगार है, नौकरी पा नहीं रहा है। वैकेंसी आ रही है, बस वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, चलो नौकरी आ गई, वैकेंसी भरो, बाद में कोई ना कोई प्रोसेस लगा देते हैं, उसमें जो है कि वो भर्ती कोर्ट में चली जाती है, वह बच्चे ऐसे बेकार हो जाते हैं। ये बताइए आपके गांव से और आपके समाज से पिछली बार नौकरी, सरकारी नौकरी में कितने लोग गए होंगे गांव से? अभी हमारे समझ से तो कोई नहीं गया सरकारी नौकरी में पिछले 10 सालों में। हाँ, पिछले 10 सालों में। ये गल्ला वगैरह मिलता है समाज के लोगों को आपको? हाँ, 5 किलो राशन मिलता है भाई, इसे हम क्यों झूठ बोलेंगे। पारिवारिक चीज़ें चल जाती है उनसे? पारिवारिक क्या, हमारा घर में अपना खाने पीने का हो ही जाता है, और ऊपर से थोड़ा मिल जाता है तो भाई चल जाता है, गुजारा हो जाता है। महंगाई वगैरह कुछ है सर? महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, चरम सीमा पे जा रही है, महंगाई तो ऐसी बढ़ी रही है। तो जैसा आप प्राइवेट नौकरी करते हैं उसमें घर की आमदनी या घर का खर्च चल पाता है उस नौकरी में अगर महंगाई बढ़ रही है तो? चलता है, मेहनत मजदूरी करते हैं तो चल जाता है किसी तरह से घिसपीट करके। तो वोट किधर दे रहे हैं इस बार? वोट तो क्या कुछ तो बन बनाए होंगे। वोट तो हम लोग बसपा को ही करते हैं। और पिछली बार? पिछली बार तो उसी को किए थे, बसपा को किए थे। तो आप बसपा के साथ है पहले से? बसपा के साथ हम लोग हमेशा रहे हैं। हाँ जी भैया जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ जी अपना? जी सर राजू गौतम। राजू जी क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में, घोसी लोकसभा पर आप क्या देख रहे हैं, समाज क्या देख रहा है? समाज देखिए, समाज तो यही चाह रहा है कि जो है कि जो पढ़ लिख के जो बच्चे हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए और समाज का विकास होना चाहिए। लेकिन समाज का विकास तो आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग ज़्यादा हर जगह हर क्षेत्र में आप लोग घूम ही रहे हैं और जो है कि सभी लोगों से प्रकार से बातें कर रहे हैं, दलित समाज से भी बातें कर रहे हैं, ऊंचे वर्ग से भी बातें कर रहे हैं, मध्यम वर्ग से भी बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा रुझान पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। परंतु कहने का मतलब ये है कि देखो आश्वासन जो भी दे रहे हैं मोदी जी अब अच्छा कर रहे हैं, ये तो जनता ही बताएगी कितना अच्छा कर रहे हैं, परंतु ये है कि विकास के नाम पर जो इतना चल रहा है लेकिन उतना विकास नहीं है। हाँ, और कहने का मतलब जो ये मुद्रा योजना भी इन्होंने लागू कर रखी है कि हाँ जी गरीबों को मुद्रा लोन योजना जो मिलेगी, और गरीबों के लिए मुद्रा लोन नहीं है ये मान के चलिए आप, जो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं अगर बैंक के पास आप जाते हो कहते हो कि भाई साहब हमें छोटा रोजगार और व्यापार करना है, तो वो कह अगर हमें मुद्रा लोन दीजिए तो वो कहते हैं कि जाके आप मोदी जी से बात करिए मुद्रा लोन के बारे में, बैंक तो नहीं दे रहा अब। लेकिन जो है कि मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं मुद्रा लोन जो है कि बैंक दे रहा, कहाँ दे रहा बताइए आप। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई मैं भी मजदूर रहा, मजदूर परिवार से रहे हैं हम लोग भी, हम उनका दर्द समझते हैं, इसलिए इस तरह की योजनाएं हम दे रहे हैं। योजनाएं तो उन्होंने लागू कर रखी है लेकिन उसका पालन तो नहीं हो रहा ना सर। बैंक के कर्मचारी आप किसी भी बैंक में चले जाइए, चाहे स्टेट के बैंक में चले जाइए, केंद्र के बैंक में किसी में भी चले जाइए, बैंक वाला सीधी सी बात ये कहता है वो आपके कागज भी प्रॉपर देखेगा, उसके बावजूद भी कहता है कि नहीं जी आपको नहीं मिल सकता है। आप 5 लाख 10 लाख की मुद्रा लोन की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि 50,000 भी लोगों को लोन नहीं मिल रहा है मुद्रा लोन। लेकिन यूपी योगी सरकार में तो कानून व्यवस्था कह रहे हैं बहुत सख्त है। नहीं, कानून व्यवस्था तो सख्त है क्या नाम है कि योगी के राज में, लेकिन परंतु जो है कि कहने का मतलब ये है कि वो ठीक है माफियाओं के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, परंतु जो है कि माफियाओं के लिए कर रहे हैं लेकिन आम जनता के लिए भी सोचना चाहिए। 5 किलो राशन में जो है कि समाज का कहाँ से विकास होगा आप बताइए ना। 5 किलो राशन में अगर 10 आपका परिवार है तो क्या उसमें उन्होंने तो आपको तो कहने का दाल रोटी भी नहीं आपको नसीब होगी। इंसान मेहनत कर रहा, रोजगार कर रहा, बाहर विदेशों में काम करने के लिए जा रहा है, रोज क्या मिल रहा है उसको? 400-500 रुपये मिलता है वहाँ पे, वो खुद खाता पीता है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार घर देता है, 2-4 हज़ार से कहाँ चलने वाला है। मान के चलिए 2-3 बच्चे पढ़ने वाले, प्राइवेट स्कूलों की फीसें इतनी है, सरकारी में जो है कि अपना बच्चे उस प्रकार का नहीं कर पा रहे हैं, जो है कि उसमें जो है कि जो भी शिक्षक आते हैं वो अपना क्या है अपनी एक हाजिरी दे रहे हैं कि हाँ जी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर अच्छी व्यवस्था सरकारी स्कूलों में रहे तो प्राइवेट स्कूलों में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक गरीब आदमी भी यही सोच रहा आज की डेट में नहीं कि प्राइवेट स्कूल में करवाएंगे तो हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लेगा, नहीं तो ये शिक्षा जो है कि सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए ना, कि प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े।
लेकिन सरकार ने देखे अगर तो शिक्षा पे भी जीएसटी लगाया है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो सर बिल्कुल गलत है। शिक्षा पे तो होना ही नहीं चाहिए जीएसटी, ना शिक्षा पे होना चाहिए ना किसानों के ऊपर होना चाहिए। किसानों के ऊपर भी अगर आप जीएसटी लगा दोगे तो वो कहाँ से, वो तो वैसे ही अपना जो है कि मान के चलिए खेती बाड़ी करते हैं, जितनी वो लागत लगाते हैं उससे ज़्यादा उनकी पैदावार नहीं होती, वो कर्जों में दबे जा रहे हैं किसान लोग जो है कि। जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकारी स्कूल जो है उनमें कोई सुविधा नहीं है, हाँ, ये निजीकरण का भी असर है ये? सर निजीकरण का पूरा असर है। जो एक ये समझ लीजिए कि जो अब जो है कि जिनके पास भी जो है कि मान लीजिए समर्थ है, वो अपना प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, एक बिजनेस उन्होंने कर लिया। रोजगार की क्या स्थिति है समाज में? कोई नौकरी पे गए आपके साथी लोग, नौजवान साथी लोग? तो अभी तक तो कोई गया नहीं। देखो जी, कहने का मतलब ये है, पीछे एक आधा लोग मान के चलिए, अगर 1000 की आबादी है, 1000 में से अगर एक बंदा अगर नौकरी करता तो उसको मायने नहीं रखता। और भर्ती वगैरह जैसे लीक हुई, इनमें दिक्कतें आई? इनमें दिक्कतें वही है सर, भर्ती लीक हो जाती है, उसके बाद से कोर्ट में केस चला जाता है, वो कहते हैं जी केस चल रहा है, उसमें फाइनल होगा जब जाके नई भर्तियाँ लाएंगे, नई भर्तियों के बाद में दूसरी सरकार आ जाती है, वो कहते हैं कि पिछली सरकार ने किया था वो तो नहीं कर सकते, हम नया लाएंगे, नया लाते में फिर 5 साल बीत जाते हैं, फिर वही कहानी है सर। पिछली बार कब भर्तियां इस तरह की आई थी आपके? हर साल भर्तियां तो सर आती रहती हैं, लेकिन हर भर्तियों में क्या हो रहा है, यही हो रहा है हमारे समाज से। तो मेरा कहने का मतलब है कि आरक्षण भी दे रखा है, आरक्षण के बावजूद भी नहीं हो पाते, फिर उसमें जो है कि अपना घूस चल रहा है, दलाली चल रही है। तो इस सरकार में 10 सालों में आपको लगता है कि आरक्षण पर भी हमला हुआ है? हाँ, आरक्षण पर तो पूरा हमला हो रहा है सर, और 400 के पार अगर ये कह रहे हैं तो इस तो फिर इनकी चाहे वो कोई भी सरकार आएगी सर, उसका वर्चस्व ही तो रहेगा। ईडी उनकी है, सब कुछ, सीबीआई उनका है, निर्वाचन आयोग उनका है, जो कहेंगे वही होगा भाई। 400 पार अगर आ गए तो बीजेपी के कुछ विधायक और नेतागणों ने कहा है कि हम संविधान बदल देंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर इस ये तो ही है, आपके मान के चलिए सर आप ही हैं, अगर आपका ही वर्चस्व चलेगा और तानाशाही आपका ही शासन होगा तो आप जो इच्छा होगी आप वही करोगे, आप किसी की बातें थोड़ी ना सुनोगे। अगर आप किसी की बातें जब इंसान सुनेगा ना, कि जब 10 लोग होंगे, 10 लोग उस प्रकार के सपोज में ऑब्जेक्शन में अगर पार्टी है, वो पार्टी दबाव डालेगी जब ही, तो जो है कि सदन में कुछ होगा। सदन में जब ऑब्जेक्शन रहेगा ही नहीं, कोई कहने वाला ही नहीं होगा, तो फिर तो आप अपनी इच्छा ही जाहिर करोगे, अपनी तरफ से ही जो करना है करोगे आप। 400 का पार करने का नियम तो यही है ना सर, कि 400 पार आ जाती सीटें, ऑब्जेक्शन में कोई बोलने वाला नहीं, कहने वाला जैसा मर्जी हम वैसे करेंगे। बाबा साहब ने संविधान बनाया, इतने सालों से संविधान चल रहा है, और आप अब 5 साल में या 10 साल में आने के बाद कह रहे हो कि नहीं ये संविधान गलत है, इसको हम इसको संशोधन करेंगे, उसमें ये लाएंगे, वो बर्ताव करेंगे, कहाँ तक सीमित है बताइए। ये आप कह रहे हैं कि 400 पार आ गई तो विपक्ष खत्म? हाँ, विपक्ष तो खत्म ही है ना साहब, एक बात बताइए, 573 कितनी सीटें हैं, 400 सीटें आ जाएंगी तो सामने कितनी सीटें बचेंगी बताइए आप, वो फिर क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जनता क्या, जनता तो बस यही बैठी हुई, घर बैठे हुए, वो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। या तो फिर वो पुराने की तरह आंदोलन हो, जो 1947 में हुआ या 1942 में आंदोलन हुआ, इस तरीके से पूरी जनता जब जागरूक होगी जब भी कुछ बदलाव होगा, अन्यथा सरकार में कहाँ। आप बताइए ना, किसी भी छोटे से आप चले जाओ, मैं कह रहा हूँ छोटे से थाने में चले जाओ, वहाँ पर भी गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है, वहाँ पे भी यही होता है, वो कहते नहीं जी भैया 2000-4000 लेके आओ, हम अपना जो है कि उनको दर्द बताने जा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ इसके है प्रताड़ित होकर अगर कोई जाता है तो उसको कहते हैं कि भैया तो तुम्हें क्या जरूरत थी उससे झगड़ा करने की, लड़ाई करने की। अगर आप ही बताइए, अगर कोई आपको 2 थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट कचहरी जाओगे ना सर, लेकिन वहाँ पर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप क्या करोगे। आप नाराज तो बहुत लग रहे हैं सरकार से सर, तो नाराजगी मेरी वोट नहीं किधर आप दे रहे हैं सर? देखिए कहने का मतलब है, वोट तो मेरा कहने का मतलब है, वोट तो हम देंगे, हम शुरू से बीएसपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और कहने का मतलब बीएसपी पार्टी को हम वोट देंगे, बीजेपी है, बीजेपी को हम ये नहीं कह रहे गलत है, वो काम सही करें तो सरकार वो भी बढ़िया, हम बीजेपी को गलत नहीं कह रहे हैं, परंतु सिर्फ काम के प्रति हम कह रहे हैं। और भी साथिया जी, नमस्कार भैया जी, क्या नाम हुआ? राजन कुमार गौतम। अच्छा राजन साहब, क्या करते हैं अभी आप? सर जॉब करता हूँ। अच्छा, किस तरह की जॉब करते हैं? सर ट्रांसफार्मर बनाता हूँ मैं। जी। तो क्या कैसे रहे 10 साल ही आपके लिए? सर मेरे लिए तो अच्छा नहीं रहा। जी मेरे लिए अच्छा नहीं रहा सर। किस तरह की दिक्कतें रही? महंगाई सर इतनी आ गई, लॉकडाउन लगा उसमें बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी, और सर महंगाई इतनी हो गई कि 400 रुपये की दिहाड़ी है, उसमें 200 रुपये किलो तेल पहुंच गया था। आप बताइए तेल खरीदे या आटा खरीदे, चावल खरीदे, दाल खरीदे, क्या खरीदे हैं? और सर हमें किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, पर सर 2000 रुपये का हमें मिल के, और सर यहीं खेत है मेरा बराबर में, और सर योगी जी की सरकार में इन्होंने ये जो सांड होते हैं इनके इनको खुला छोड़ दिया है। आप देखिए अभी एक आध दो सांड आपको दिख जाएगा,
और समस्या तो जी सर 2000 रुपये हमें मिल के ही क्या होगा जब सर हमारा 4000-5000 रुपये का नुकसान हो जा रहा है। सर अभी मैंने मूंग की दाल बोई थी सर, और अभी शायद एक ही बार जो है कि मैंने उसमें से तोड़ा था। मूंग की दाल को कई बार तोड़ाई होती है, पर सर सांडों ने काम कर दिया अपना, पूरी फसल बर्बाद कर दी। तो इससे भरपाई हो पाती है जो किसान सम्मान निधि आप कह रहे हैं मिलती है? सर इससे कुछ नहीं हो पाता है। आप बताइए 2000 रुपये से क्या होता है, प्लस नुकसान तो मेरा 10000 का हो रहा है। पहले ऐसी समस्या होती थी ना? पहले ऐसी समस्या नहीं होती थी सर। हाँ, ईश्वर की वो होती थी कि हाँ सूखा आ गया, लेकिन ये जो रीज़न हो रहा है ये रीज़न बहुत बड़ा है। तो आप कह रहे थे कि महंगाई एक बड़ी समस्या है अभी, तो उस तरह की आमदनी है, नौकरी रोजगार इस तरह के पैसे बने? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से आमदनी और रोजगार नहीं है सर। सरकारी नौकरियां वगैरह मिली हो आपके समाज में? सर मेरे समाज में सरकारी नौकरी बहुत साल पहले मिली है सरकारी नौकरी, लेकिन बहुत साल पहले, इन दस सालों के बीच हमारे इधर कुछ नहीं हुआ। जी एक चीज़ और बताइए, जैसे निजीकरण कर रहे हैं बहुत सारी सरकार जो है, पिछले रेलवे निजीकरण कर दिया, बिजली, कई सारे विभाग निजीकरण के तहत सरकार इनको प्राइवेट कर निजीकरण कर रही है, तो इसका असर पड़ता है आपके रोजगार पर? जो आरक्षण में नौकरियां मिलती थी उस पर असर पड़ता है इसका? सर पड़ता है सर। तो समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या, भारी समस्या सर। तो आपके लिए अच्छे नहीं रहे 10 साल? आपके बिल्कुल अच्छे नहीं रहे सर। चले फिर वोट किधर दे रहे हैं? वोट तो सर बहन मायावती जी को देंगे, और पिछली बार भी उनको ही दिया था। एक चीज़ बताइए, कई लोग कह रहे हैं, जैसे हम लोग भी घूम रहे हैं, कि भाई बहन जी जो है पहले की तरह उस तरह एक्टिव नहीं दिखाई देती, उनका वोट खिसक रहा है धीरे धीरे, क्या ऐसा है, आप कैसे समझ देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब दिखावा है सिर्फ। बहन जी कहीं नहीं खिसक रही हैं, बहन जी के साथ हम लोग हैं, और पहले से भी थे, आगे भी रहेंगे, और अब भी हैं सर। कुछ लोग आरोप लगाते हैं बसपा पार्टी पर कि बीजेपी को जिताने के लिए लोग, ये पार्टी जो है कहीं ना कहीं बी टीम का काम करती है। सरासर गलत है सर, ये इल्ज़ाम है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मायावती जी अकेले लड़ रही हैं और अपना काम कर रही हैं, कार्य अपने कार्य पर चल रही हैं। जहाँ गठबंधन हो रहा है, इधर बीजेपी भी गठबंधन कर रही है बड़े, इधर कांग्रेस और सपा भी मिलकर गठबंधन कर रही है, तो आपको क्या लगता है बहन जी अकेले ऐसे जीत पाएगी इन चुनाव में? बहन जी जीतेंगी नहीं, लेकिन बहन जी का वोट कहीं नहीं जाएगा हमारे दलित समाज से। मान लीजिए महागठबंधन हो रहा है या भाजपा सरकार जो दावा कर रही है, तो मसले इनके अब की बार कामयाब नहीं हो पाएगा। तो आप बसपा को वोट करें? जी सर, मैं बसपा को वोट करूँगा। आइए चल हम कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में। नमस्कार बहन जी, बातचीत हो जाएगी? जी दीदी, आपसे ही कर लेंगे थोड़ी सी बातचीत महिलाओं के मुद्दों पर। जी बहन जी, क्या नाम आपका? अरे अच्छा, क्या करते हैं अभी आप, घर पे रहते हैं? हाँ। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे ऐसे ही। आपको कैसे लगे 10 साल सरकार के, मोदी सरकार के? अच्छा लगा। अच्छा, क्या किस तरह के अच्छे काम रहे उनके, कुछ फ़ायदा मिला आपको? हाँ। ठीक है जी दीदी, आपसे ही पूछ लेंगे ऐसे ही। जी कैसे रहे 10 साल ये सरकार के, मोदी सरकार के कैसे 10 साल में? ना सही रहने जा, का मिला था मोदी सरकार का देता हूँ। हाँ, महंगाई वगैरह कुछ असर हुआ महंगाई का घर पे रसोई पे? कहा ना कुल महंगाई है ना बल्बा, कैसे जेल खल जाता बा, क्या करें जा। तो सिलेंडर वगैरह मिला आपको सरकार में? मिला ला। तो भरवा पाते हैं अभी उसको? हाँ, का कर जा, अब मिलल बात भरा एक ना पड़ी। कह रहे गैस महंगा हो गया कि बहुत सारे भरवा नहीं पा रहे हैं? हाँ, महंगा तो वही गल बा। कुछ और भी योजना, कुछ सरकार के फायदा मिला आपको कुछ? नहीं, वो 5 किलो राशन मिलत बा, गल्ला मिलता है बस। हाँ, हमारे दादी में मर गए, कुछ हो ना मन के मिलत बा, तो घर चल जाता है उसमें 5 किलो में? 5 किलो में चली घर, चट बच्चे आ मन खा पाल जी,
होता। और जो महंगाई आ गई है चीनी दूध तेल इन सब पर दालों पर, इससे तो दिक्कत होती होगी। तो कहा बहुत दिक्कत हो ले, जब सरकारी नौकरी मिल ले ना बा के कमाते दमाते ना बा तो कहाँ से आदमी अथवा कर पाए। तो नौकरी अभी नहीं मिली बच्चों को कुछ? नहीं अभी ना मिले ना। तो वोट कहाँ कर रहे हैं? अब देखा जाए के देवल जाए वोट, जब आए समय तो देखा जाए। सोचा नहीं अभी तक कुछ? नहीं अभी ना जा सोचा नहीं। बहन जी को नहीं दे रहे? हाँ बहन जी के देवल जाए। बहन जी को दोगे? हाँ। अच्छा जी दीदी, क्या नाम आपका? अपने पर ही जाओगे? अच्छा। और पहले कहाँ दी थी? पहले तो भाई मोदी के दे देने जा। पहले मोदी को दी थी? हाँ। क्या नाम हुआ जी? रीना देवी। रीना जी क्या करते हैं आप? अभी अभी तो हम कुछ नहीं करते हैं, घर ही रहते हैं। हाँ घर ही रहते हैं। 10 साल हो रहे हैं, चुनाव आ गए, सरकार के काम कैसे आपको लगे? अरे सरकार के काम क्या है, अच्छे हैं। नौजवान युवक लोग जो हैं नौकरियों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, सरकार को कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपके यहाँ से किसी को नौकरी वगैरह नहीं मिली? किसी को नहीं मिली। तो तैयारी वगैरह करते हैं बच्चे या आपके समाज से? अब क्या सरकार को देख रहे हैं, 10 साल से वोट दे के देख रहे हैं, यही सरकार क्या कर रही है, कुछ कर रही है? आपके लिए महिलाओं के लिए कुछ सुविधा हुई हो, स्वास्थ्य की कोई सुविधा हुई हो कुछ इस अस्पताल के लिए? बनवा तो दिए हैं ये आयुष्मान कार्ड, वो भी क्या मिल रहा है सुविधा? उससे फायदा नहीं मिला? फायदा क्या कुछ नहीं मिल रहा है। दवा लेने जाओ तो कहते हैं कि पहले यहाँ पे एडमिट हो तब दवा मिलेगी। और ये जैसे गैस सिलेंडर वगैरह मिले थे इनसे कुछ मिला है तो उसे भरवाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। जब आदमी के पास पैसा ही नहीं है तो गैस सिलेंडर क्या भरवाएगा, इतनी महंगाई है आजकल के ज़माने में। आदमी प्राइवेट काम कर रहा है 5,000, 7,000, 8,000 पा रहा है तो उसमें क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा कि घर का खर्चा चलाएगा? रसोई पे फर्क पड़ता है महंगाई का? महंगाई पे फर्क पड़ ही नहीं रहा है, रसोई पे कितना हो अब कैसे पड़ेगा। तो अभी वोट किधर दे रहे हैं आप इस बार? अब वोट तो देख रहे हैं किसे दे, कांग्रेस को ही देंगे। गठबंधन में? हाँ गठबंधन। बहन जी को नहीं दे रहे? तो बहन जी को कह रहे थे? नहीं हम बहन जी को नहीं देंगे। और पिछली बार कहाँ दिया था आपने? मोदी जी को दिए थे। इस बार बदल गए? हाँ बदलेंगे जी। दीदी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या लगता है आपको कैसे रहे 10 साल आपके लिए, महिलाओं के लिए? बिल्कुल बुरा लग रहा था। फायदा नहीं हुआ कुछ? कुछ नहीं फायदा था, क्योंकि 5 किलो राशन मिल रहा है उसमें हम लोग अपना खर्चा कर लेंगे, बच्चे को पेट पाल लेंगे, अपना पेट पाल लेंगे। दिलासा दिए थे कि इतने आदमियों को नौकरी देंगे, आजकल किसी को नौकरी मिली है? 10 साल से लोग भटक रहे हैं, जिसको मिली है वो भी अटकी हुई है। सिलेंडर भी दिए हैं तो वो भी महंगा है, कहाँ से भराएंगे, पैसे नहीं रहेगा तो हम लोग भराएंगे कहाँ से? रोजगार नहीं है उस तरह के आपके यहाँ? वो भी हम लोग को पैसा नहीं चाहिए डेली, महीने में साल भर में 6 महीना में वो आता है तो उसको भी तो उसी को जा रहा है, सरकारी को जा रहा है। आपके लिए आप जैसी महिलाओं के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था हुई इन 10 सालों में, कुछ मिला हो आपको? कुछ नहीं। तो महंगाई वगैरह का भी असर है कुछ? महंगाई तो है। वोट किधर दे रहे हैं? महंगाई है आजकल की, आदमी के पास जीना खाना एकदम मुश्किल हो गया है, क्या करेंगे? वोट किधर दे रहे हैं आप? देंगे किसी को, बच्चों देख लेंगे, जैसा माहौल रहेगा उसे देंगे। भाजपा को देंगे, मोदी को देंगे? नहीं देंगे। बहन जी को? बहन जी को देखेंगे, जैसा जिसका रहेगा वैसे मिलेगा, देंगे हम। आप उधर भी जा सकते हैं साइकिल पे भी? देखेंगे जैसा। अभी मन नहीं बनाया? अभी मन नहीं बनाया। हम अभी गाजीपुर लोकसभा सीट पे थे और गाजीपुर लोकसभा सीट का ये नसीरपुर जलालाबाद गांव था। हमने यहाँ दलित समाज से बातचीत की और जानने की कोशिश की इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर समाज का क्या रुझान है। कहीं ना कहीं चुनाव में लोगों की नाराज़गी है भाजपा सरकार से, और कुछ लोग बसपा की तरफ रुख कर रहे हैं और कुछ लोग इंडिया गठबंधन की भी बात कर रहे हैं। जुड़े रहे आप सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।